नमस्कार, मैं विकास और आप देख रहे हैं विकास एसएफ एक्सप्रेस। इस वीडियो में हम आपको बहुत ही बड़ा जानकारी देंगे। इस वीडियो में हम आपको जानकारी देंगे, अगर आपने IRCTC से वेटिंग या RAC टिकट बुकिंग किया है और जब आपका फाइनली चार्ट बन जाता है और उसमें आपको जो भी सीट मिलता है तो आप उस कंडीशन में आप टिकट को कैसे दोबारा डाउनलोड करेंगे, यानी कि करंट स्टेटस में। जैसे कि कई बार हम लोग वेटिंग या RAC टिकट बुकिंग कर लेते हैं तो वेटिंग और RAC में तो हम लोग को सीट नंबर नहीं मिलता है, और आपका जब कंफर्म हो जाता है, फाइनली चार्ट बन जाता है और आपको सीट नंबर सब मिलता है, तो आप उस कंडीशन में आप नया करंट अपडेट के साथ में टिकट को आप इजीली डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, बहुत लोगों को ये जानकारी मालूम नहीं होता है, क्योंकि वेटिंग या RAC जब आपका टिकट है तो उसमें कुछ भी डिटेल शो ही नहीं करता है सीट के बारे में, तो टिकट अच्छा नहीं रहता है, क्योंकि टिकट में सीट है सब डिटेल अच्छा से शो होना चाहिए जब कंफर्म हो गया है। तो इस तरीके से बहुत लोगों को जानकारी नहीं रहता है और वही पुराना टिकट को लोग पास में रखते हैं, उसी को देखते हैं, दिखाते हैं। ठीक है, तो हम आपको इस वीडियो में जानकारी देंगे कि आप लेटेस्ट प्रोसेस में कि आप अपने टिकट को आप करंट स्टेटस में चार्ट बनने के बाद, आप जो भी चार्ट बनने के बाद आपका स्टेटस है वो आप उस कंडीशन में टिकट को इजीली डाउनलोड कर सकते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले छोटा सी रिक्वेस्ट, जब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो लाल रंग के बटन दबा के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में घंटी को निशान को दबाइए ताकि इस तरह का अपडेट इन्फॉर्मेशन आपको आगे भी मिलता रहे। इस वीडियो में सिर्फ रेलवे और ट्रेन टिकट बुकिंग के ही अपडेट मिलते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। सबसे पहले आपको अपना IRCTC ऐप लॉगिन करना है, ट्रेन पे क्लिक करना है, माई बुकिंग पे क्लिक करना है, और यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि एक टिकट बुकिंग मेरा है नई दिल्ली से जोधपुर के लिए, इस पर हम टाइप करेंगे, इसी का हमारा IRCTC है। ठीक है, आप देख पा रहे होंगे कि IRCTC 53 दिखा रहा है, और ऊपर में आपको 3 लाइनिंग में डॉट डॉट लिख है। ठीक है, ऊपर में जैसे ही आप 3 डॉट पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको एक ऊपर में करंट स्टेटस शो करता है। ठीक है, करंट स्टेटस में आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे RAC S8 में 39 नंबर मुझे सीट मिला है। ठीक है, पहले सिर्फ IRCTC 53 लिख रहा था, सीट नंबर सब कुछ नहीं था टिकट में। अब ये करंट स्टेटस में अब आपको ये टिकट यहाँ पे ऊपर में डाउनलोड का आइकन है, उस पर आप क्लिक करके इसे ओके कीजिए, यह डाउनलोड हो गया। या आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, या कहीं भी शेयर पर क्लिक करके, यहाँ पर शेयर का आइकन है उस पर क्लिक करके आप कहीं भी फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, व्हाट्सएप, ईमेल, कहीं पर भी आप इसे शेयर कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे आपको पूरा सीट नंबर के साथ यहाँ पे शो हो जाएगा। तो बहुत लोग जानकारी ये मालूम नहीं होता है, तो ये जानकारी आपको शायद अच्छा लगा होगा, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे। मिलेंगे नई जानकारी के साथ आपका दिन।